नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम जानेंगे बिहार के ऐतिहासिक गौरव में चार चांद लगाने वाले बिहार के राजकीय प्रतीकों के बारे में। भारत में बिहार का एक अपना ही अलग स्थान है। बिहार अपनी ऐतिहासिक संस्कृतियों के लिए विश्व में जाना जाता है। बिहार भारत के 28 राज्यों में से एक है। बिहार शब्द संस्कृत के शब्द विहार से लिया गया है। विहार का शाब्दिक अर्थ बौद्धिक मठ होता है। सारण जिले के चिरांद में मिले साक्ष्य को माने तो प्रागैतिहासिक युग के पाषाण काल में मानव यहाँ निवास करते थे। बौद्ध काल के 16 महाजनपदों में से 3 प्रमुख महाजनपद वज्जी, अंग और मगध बिहार में ही स्थित है। भारत समेत विश्व को ज्ञान देने वाले नालंदा विश्वविद्यालय जो कि नालंदा जिले में स्थित है, तो वहीं औदन्तपुरी विश्वविद्यालय जो कि बिहार शरीफ में स्थित है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान में भागलपुर में स्थित है, यह बिहार के ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाता है। बिहार में प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर हम बिहार के चौहद्दी को देखें तो बिहार के उत्तर में नेपाल देश स्थित है, तो वहीं दक्षिण में झारखंड राज्य है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य स्थित है। वहीं बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 3.1% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी 10 करोड़ से भी अधिक है। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं बिहार के प्रतीकों के बारे में। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पशु बैल। बिहार के राजकीय भाषा हिंदी है, वहीं दूसरी भाषा उर्दू है। बिहार में बोली जाने वाली भाषाओं में मैथिली की प्रमुखता से बोली जाती है। बिहार में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियों में भोजपुरी, मगही, अंगिका है। वहीं अगर हम भोजपुरी को भाषा का दर्जा देने के लिए भोजपुरी क्षेत्र के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार के प्रमुख लोकगीतों की बात करें तो बिहार में बिरहा, चैती, कजरी लोकगीतों का गायन किया जाता है। आइए बात करते हैं बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया के बारे में। वर्तमान में भौगोलिक परिवेश और वनस्पति प्रजातियों तथा प्राणियों में उपलब्धता को देखते हुए बिहार सरकार ने गौरैया को संरक्षण की जरूरत महसूस की गई। इधर पर्यावरण में आए बदलाव को देखते हुए गौरैया की संख्या में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। लोगों के घरों में रहने वाली गौरैया के लिए आधुनिक घरों में जगह नहीं बची है। अब जब गांव में भी पक्के मकान बनने लगे, ऐसे में गौरैया विलुप्त होती जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने सन 2013 में इस घरेलू पक्षी को संरक्षित करने के साथ ही राजकीय पक्षी बनाया है। अब हम बात करते हैं राजकीय वृक्ष पीपल के बारे में। पर्यावरण एवं वन विभाग के अधिकारियों की माने तो पीपल राज्य के सांस्कृतिक पक्ष के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यह राज्य में ज्ञान और परंपरा का घोतक भी है। इसके वैज्ञानिक तर्क भी हैं। विज्ञान की माने तो पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। इस लिहाज से पीपल का पेड़ इंसानों के लिए काफी लाभदायक है। बिहार का राजकीय फूल गेंदा है। यह बहुत ही आसानी से उगने वाले फूलों का पौधा है। यह मुख्य रूप से सजावटी फूल है। यह खुले फूल, माला एवं भूदृश्य के लिए उगाया जाता है। यह फूल अपनी खूबसूरती के कारण बिहार के राजकीय फूलों में अपना जगह बना पाया है। बिहार के अन्य राजकीय प्रतीक में राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, वहीं राजकीय मछली मांगुर है। ऐसे ही बिहार से जुड़ी ताजा तरीन वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।